माखी पुलिस अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये से नहीं आ रही बास। दलित के घर जबरन घुसना पड़ा भारी। स्वदेश यादव नाम के दारोगा की महिलाओं ने की घर के अंदर जमकर पिटाई। पिटाई का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। जनता के बीच फंसता देख दबे पांव भागी माखी पुलिस। योगी की मित्र पुलिस जनता से कर रही है अभद्र दुर्व्यवहार। चक्रवंशी पुलिस चौक के निर्माण से जुड़ा है पूरा मामला। सुंदरा नाम की महिला की जमीन नवम्बर 2609 का पर माखी पुलिस करा रही थी जबरन निर्माण। भूमि मालिक ने माखी पुलिस से हार का न्यायालय की ली थी शरण। जिला न्यायालय से उक्त जमीन पर भूमि मालिक को दिया था स्टे। माखी पुलिस के कई पुलिसकर्मी न्यायालय में बने हैं पार्टी। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज के लिए उन्नाव से संवाददाता मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। क्या नाम है? क्या हुआ है? बताओ। चौकी बन रही है हमारी जगह। तुम्हारी जगह बन रही है? हाँ। तो कैकी जगह रहा है? तो जगह हमारी है। दिन नाव का कहो के? हाँ। नहीं अब कहो ने। अच्छा जबरदस्ती बनवा रहे हैं? जबरदस्ती बनवा रहे हैं, ऊपर घर पर मार रहे हैं पुलिस वाले। अच्छा चौकी का पछतावा नहीं है, चौकी जबरदस्ती बन रही है। अंगूठा लगाओ लगाओ, हम लोग कहीं अंगूठा नहीं लगाएंगे। हमारे लोगों के कहानी जैसे कागज की कार्रवाई चल रही, कागज की कार्रवाई नहीं। तो कागज कौन से खेत के मामला है? वो रोड पर जो जमीन है ना, उसी वो जमीन चौकी बन रही। चौकी अवैध बन रही ना? हाँ चौकी अवैध बन रही। कहीं जमीन बन रही? वो हमारी जमीन है। कहीं के नाम से है जमीन? वो जमीन सुंदरग नाम से। सुंदरग नाम से। तो हम यहाँ पे क्या हुआ रहा है? कोहिमा हुआ का भैया यहाँ है कि अब मुकदमा वहीमा के चलते सब कागज पत्र बने हैं, सब कागज हमारे पास हैं और कागज देख लीजिए। तो आज पुलिस वाले आ रहे हैं? आज पुलिस वाले त्यारा आए हैं, एक बार दो आए हैं, एक बार त्यारा आए। काकिन है? वही किन है, काहिया सब अंदर देखते हैं और सब मौका देखते हैं। अंदर मौका देखते हैं, चौकी मौका देखते हैं? मौका चौकी क्या मतलब देखते हैं, अंदर जो बाद में पुलिस आई है वो पहले वाले के यहाँ देखते हैं अंदर। तो मारो इनके, क्या मारे? मारे भैया बहुरियों को मारे, हमको मारे, हमारे हाथ फूला है और हम आके मारो सब टोट डाले। तो जब बहुरियों को मारे, जब छुटावेगा तो हमारे लड़कों को यहाँ मारे, जब लड़के को मारे लगा तो हम पंचे छुटावे लगे भैया, तब हम शंकरों को मारे, हमको मारे, सबका मारे भैया। ये माह जून में जनपद उन्नाव के थाना माखी में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना में एसआई ये स्वदेश यादव मौके पर गए थे और उन्होंने नोटिस आदि तमिला के विषय में बात किया, जिससे इनके साथ बदतमीजी की गई। जिस संबंध में इन्होंने थाने आकर अभियोग पंजीकृत कराया था, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ये विपक्षी द्वारा भी इस संबंध में पुलिस टीम के विरुद्ध छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में जांच क्षेत्राधिकारी सपूत को दी गई है और उसी गई जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन